ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
कि सजना जे तू संसार से आया तो समा पा के तेन संसार तो जाना पड़ेगा। जे मनुख लम्मी झाती मार के देखे कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार एक चाल है एक चालस है सब अपनी बार। सब कहते जो लम्मी झाती मार के देख वडे वडेरे आए समा पा के उन्होंने संसार तो जाना पिया तो सजना समा पा के संसार तो तैनू भी जाना पैना है। गुरु नानक पातशाह का पावन वचन है दे लम्मी नदर निहालिए जीव जरा लम्मी झाती मार के देख जिवें तैनू बचपन मिलया है बचपन के बाद की होएगा जवानी आएगी जवानी तो बाद की होएगा बुढ़ेपा आएगा तो बुढ़ेपे तो बाद की होएगा साहब कहते जम काल मौत आएगी। सजना जे बचपन नहीं रहा तो रहनी जवानी भी नहीं जे जवानी नहीं रही तो रहना बुढ़ेपा भी नहीं। मनुख का वध्या होएगा कारोबार मनुख का वध्या होएगा केवल परिवार पर मनुख आप घटता जा रहा है। पावन गुरबाणी का वचन है जननी जानत सुत बड़ा होत है इतनाक न जाने जे दिन दिन आवद घटत है। कहते जनन वाली माँ बड़े भुलेखे बेच है माँ अपने बच्चे दे दिन गिणती अज मेरा बच्चा इन्ने दिन का हो गया अज इन्ने महीनों का हो गया अज इन्ने साल का हो गया। साहब कहते भोली माँ तेरा बच्चा वादा नहीं जा रहा तेरा बच्चा मौत वाल वादा जा रहा है। मान लो मनुख ने 100 साल जीना हो 5 साल ओदी उम्र है बाकी 95 रह गई क्योंकि उम्र घटी है कि वधी है। वादा कारोबार है वादा परिवार है पर मनुख तो दिन दिन घटता जा रहा है। साहब कहते सूरज चढ़े वजोग सबसे घटै आरजा जिवें जिवें दिन चढ़ते जाते समा बीतता जाता है तेवें तेवें मनुख के सवास घटते जा रहे हैं। उपरंत परमात्मा जी के चरणों में अरदास बेनती करके पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा भी सरवण किया गया। अंत में परिवारिक मैंबर वालों आईया हुई प्रमुख शख्सियतों का आईया हुई समूह संगत का तय दिल तो धन्यवाद किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साढ़े सत्कार योग माता हरजीत कौर जी जो 5 तरीक न अपने सवासा की दिती हुई पूंजी नूं सतगुर सच्चे पातशाह अनुसार भुगत के इस मात लोक तो सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों में जा बराजे हैं। बहुत ही चंगे सुभा के मालक सी किसी के नाल उन्हों का कोई एहोजा प्रभाव नहीं सी हर एक नूं अपने तह दिलों नवाजते सन। सतगुर सच्चे पातशाह उन्हां दी रूह नूं शांति देण अगे उन्हों का परिवार सरदार भुपिंदर सिंह जी सपुत्र उन्हों की नौराणी बीबी बलविंदर कौर जो पिंड के मुखी हैं सरपंच हैं इस वेले मौजूदा पिंड की विकास वास्ते पिंड के सुधार वास्ते उन्हों की जो ड्यूटी लगी हुई है वो बहुत ही चंगे सुचजे ढंग के नाल इस पिंड की नुहार पिंड टंडियाला नत्त भी नुहार नूं बदलन दा यतन करते हैं। बहुत ही सुचजे ढंग के नाल अपना जिहड़ा योगदान पाते हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह इस तरह इन्हां दीआं बहुत वड्डीआं उमरां करे चंगीआं इच्छावां बख्शे ते इस तरह इस पिंड टंडियाला नत्त दे जो पति बहरमपुर की सेवा करते रहन पिंड दीआं नुहारां बदलन ते सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां नूं अगे वास्ते इस परिवार नूं इस माता जी वालों दित्तियां होईयां सिख्यावां अलों ते सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां नूं उस मार्ग ते चलण दा जिहड़ा है सतगुरु सच्चे पातशाह रस्ता दसण। इस मात लोक दे विच रहिंदिआं होइआं जीव बहुत ही सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं खुशियां प्राप्त करे और माता जी दे दसे अनुसार मार्ग ते चलण दीआं जो सिख्यावां हन इस तरह निभाउंदे रहण ते पिंड दी जो पंचायत दी सेवा इस नगरां दीआं सेवा करदे रहण ते सतगुरु दीआं खुशियां माणदे रहण। सो फिर एक बार सारिआं दा कोटि कोटि धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।